रुझानों में बीजेपी अभी आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन के, तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है, और वो इसीलिए तो नहीं नाचे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं है, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता है। सर, आप इस अपने आप को टफ कॉम्पिटिशन किसको समझते हैं, चित्रा को या परिपाल को? नहीं देखिए, जो कांग्रेस का जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनकी और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बाड़ा, उसमें खूब मार पिटाई हुई थी, उसके बाद से वो ये एलिमेंट को देखकर वो जो असली कांग्रेस वाला था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया, देखते क्या असर पड़ता चुनाव पे। सर, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमांड अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। रुझानों में बीजेपी अभी आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन के, तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है, और वो इसीलिए तो नहीं नाचे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं है, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता है। सर, आप इस अपने आप को टफ कॉम्पिटिशन किसको समझते हैं, चित्रा को या परिपाल को? नहीं देखिए, जो कांग्रेस का जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनकी और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बाड़ा, उसमें खूब मार पिटाई हुई थी, उसके बाद से वो ये एलिमेंट को देखकर वो जो असली कांग्रेस वाला था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया, देखते क्या असर पड़ता चुनाव पे। सर, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमांड अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।